हाय दोस्तों, मैं आज आपको विंडोज पीसी में गूगल ड्राइव सेटिंग करने का तरीका दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो व्यूअर इस चैनल में नए हैं कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो आपको जरूर पहुँच सके। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सोल्यूशन ना, जहाँ आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए अपनी डाटा ऑनलाइन सेव और एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने फाइल्स को सिक्योरली अपलोड और उसे ऑनलाइन एडिट करने के लिए गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल और टैबलेट में गूगल ड्राइव पे रहता है, आपका जीमेल आईडी डालने से ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, लेकिन विंडोज पीसी में उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। गूगल ड्राइव से जुड़े बहुत सारे ऐप्स और टूल्स हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ विंडोज पीसी में गूगल ड्राइव इंस्टॉल करने का तरीका दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गूगल सर्च बॉक्स में गूगल ड्राइव फॉर विंडोज टाइप कीजिए और क्लिक कीजिए डाउनलोड गूगल ड्राइव, और इधर बैकअप एंड सिंक्रोनाइज ऑप्शन में नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड, उसमें क्लिक कीजिए। एग्री एंड डाउनलोड में क्लिक कीजिए, सेव कीजिए। अब ये ट्रेलर डाउनलोड हो गया, इसको क्लिक कर दीजिए तो रन में क्लिक कीजिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से वो टाइम लगेगा। अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट दिखा रहा है, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, बस कर दिए, ये विंडोज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। गेट स्टार्टेड क्लिक कीजिए, अभी लॉगिन ऑप्शन आएगा, जीमेल अकाउंट इसमें डाल दीजिए, आपका पासवर्ड डाल दीजिए इधर, वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, क्लिक कीजिए इधर। आपका कोड इसमें डाल लीजिए, 6 डिजिट का जो कोड है उसमें डाल लीजिए, डन में क्लिक कीजिए। स्लो नेटवर्क की वजह से कभी कभी साइन इन में प्रॉब्लम होता है, ऐसे में आप नीचे दिए हुए लाइन में क्लिक कीजिए, साइन इन विथ योर ब्राउज़र इंस्टेंट, इसमें क्लिक कीजिए। आपका ईमेल आईडी डाल दीजिए, जीमेल आईडी, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। पहले से ही एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, क्लिक कीजिए इधर। आपका कोड इसमें डाल लीजिए, 6 डिजिट का जो कोड है उसमें डाल लीजिए, डन में क्लिक कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। इसमें आपको अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ में क्लिक कीजिए। आपका गूगल ड्राइव सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी थोड़ा काम बाकी है, ब्राउज़र को क्लोज कर दीजिए, गेट इट में क्लिक कीजिए। अभी इसमें देख लीजिए, आपको डिफॉल्ट सेटिंग ही लेना है तो आप उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। मैं डिफॉल्ट सेटिंग नहीं लूँगा क्योंकि मेरा ज़्यादातर फाइल्स डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर फोल्डर में रहता है, तो इतना सारा फाइल एक ही बार में गूगल ड्राइव ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ सिलेक्टेड फाइल ही रखूँगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये 3 टिक मैं हटा देता हूँ, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर। ऐसे तो हर गूगल अकाउंट के साथ 15 GB का क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है, और कुछ दूसरे कंपनी भी है जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है, लेकिन गूगल ड्राइव मोर यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज, सिक्योर एंड पॉपुलर अमंग द यूजर्स।
और नीचे ऑप्शन है फोटोज एंड वीडियोज अपलोड साइज हाई क्वालिटी फ्री अनलिमिटेड स्टोरेज में क्लिक करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। अभी दौरा सेंस में जाके आप गूगल ड्राइव लोकेशन सेंस कर सकते हैं। अभी स्टार्ट में क्लिक कीजिए, आपका सेटिंग कंप्लीट हो गया। डेस्कटॉप में आपका गूगल ड्राइव का एक शॉर्टकट निकलेगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव सेटिंग्स में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप नीचे टास्क बार में राइट साइड कोने में देख लीजिए, गूगल ड्राइव का एक आइकॉन आ गया, उधर आप राइट क्लिक कीजिए और मेनू में देख लीजिए राइट साइड में जो तीन डॉट है उधर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप प्रिफरेंस में क्लिक कीजिए। तो इधर आप कुछ सेंस करना चाहते हैं तो कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके कर दीजिए तो आपका गूगल ड्राइव सेटिंग्स हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।